नवनियुक्त भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष रियाज खान ने अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद पहली बार आगर का दौरा किया, जहां आगर पहुंचने पर उनका छावनी आगर शहर में कई जगह पर स्वागत किया गया। साथ ही अल्पसंख्यक व युवा मोर्चा कार्यकर्ता शाहरुख अहमद के निवास काशीबाई कॉलोनी में रियाज खान व भाजपा के वरिष्ठ एवं सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश बैरागी का शाहरुख अहमद व कार्यकर्ताओं ने साफा बांधकर पुष्पमाला से स्वागत सम्मान किया। अध्यक्ष रियाज खान ने भाजपा व अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं से संगठन को लेकर चर्चा की व कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा सबका साथ सबका विकास जो बात कही वह सत्य है, और प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो कहा वह उन्होंने करके दिखाया। श्री खान ने सभी से वैक्सीनेशन कराने की अपील की है। इस अवसर पर अब्दुल हमीद, शफीक खान और साथ ही में हनीफ खान, कल्लू खान, रिजवान खान, मुन्ना खान, दर्शन सिंह, मुकेश बंजारा सहित समाज के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आज आपने आगर में दौरा किया है, क्या उद्देश्य को लेकर आपका दौरा है और आपको मतलब किस तरह से क्या संदेश देना चाहते हैं? मुझे भारतीय जनता पार्टी ने एक दायित्व दिया है, इस लायक समझा मुझे अल्पसंख्यक मोर्चे का नवनियुक्त जिला अध्यक्ष बनाया है। इसी को लेके नलखेड़ा, सोयत और आगर सभी जगह मेरा स्वागत समारोह रखा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो एक सबका साथ सबका विकास की जो बात कही है वो सत्य है, और माननीय शिवराज जी ने जो कहा है वो करके दिखाया है। और ये जो टीका अभियान चल रहा है इसमें हमारे भाई कई वहम फैला रहे हैं, और कांग्रेस इसमें अपनी पूरी भूमिका निभा रही है, तो अपनों को उनकी बातों पर नहीं जाना है और टीका अवश्य लगाना है। ये तीसरी लहर आ रही है, बहुत खतरनाक है। आप ये आगर जिले के अंदर एक अल्पसंख्यक टीम तैयार करना चाहते हैं? जी बिल्कुल तैयार करना चाहते हैं, और ऐसी टीम बनाएंगे कि मतलब पार्टी को पूरी मजबूत करें और उसको आगे बढ़ाएँ और संगठन में अपनी एक पहचान बनाएँ। वॉइस ऑफ फ्रेंड्स के लिए आगर मालवा से अहद शान खान की रिपोर्ट।